अब जब कोरोना वायरस हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है और उसकी आहट सुनी भी जा रही है, ऐसे में सरकार और पूरा तंत्र कमर कसकर हालात से लड़ने को तैयार है। दिल्ली और तेलंगाना में एक एक शख्स, जबकि जयपुर में एक विदेशी नागरिक में कोरोना के वायरस की पुष्टि हो गई है, जबकि एक दर्जन से ज्यादा लोगों में संक्रमण का शक है, इनकी निगरानी की जा रही है। इटली से नोएडा लौटे एक शख्स में संक्रमण के लक्षण पाए जाने के बाद उसके संपर्क में आए 13 लोग निगरानी के दायरे में आ गए। इसमें से 6 दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। लेकिन बात डरने की नहीं, सावधान होकर लड़ने की है, क्योंकि इसी से कोरोना को मात दी जा सकती है। केंद्र सरकार हरकत में है, एक्शन मोटे तौर पर 3 स्तर पर लिया जा रहा है। पहला, विदेश से आए लोगों की गहन पड़ताल। दूसरा, संक्रमण में आए लोगों का ठीक इलाज करना। और तीसरा, लोगों को जागरूक कर इसके फैलाव को रोकना। सरकार पूरी तरीके से हर वैज्ञानिक तरीका इस्तेमाल कर रही है, जो भी हमारे को साइंटिफिकली और हर तरीके से कम्युनिटी की दृष्टि से करना है वो सब कुछ हम कर रहे हैं। और पूरी तरीके से 2400 घंटे सरकार की पूरी व्यवस्थाएं सारे देश के अंदर इस विषय के ऊपर बहुत ही पैनी निगाह रखे हुए हैं। इसी के तहत एयरपोर्ट पर निगरानी रखी जा रही है। विदेश से आने वाला हर शख्स स्क्रीनिंग से गुजर रहा है। 21 एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग मशीन लगाई गई है। अब तक 5,00,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। एयरपोर्ट पर तैनात इमिग्रेशन के कर्मचारियों को मास्क पहनाया गया है। एयरपोर्ट पर ही मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की व्यवस्था है। सिर्फ निगरानी ही नहीं, इससे आगे बढ़कर सरकार ने ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी की है। इसके मुताबिक इटली, ईरान, साउथ कोरिया और जापान से आने वाले यात्रियों को जो वीजा या ई वीजा जारी हुआ है वो सब रद्द कर दिया गया, यानी इन देशों के किसी नागरिक को भारत आने पर फिलहाल रोक है। इसके अलावा भारतीय नागरिकों को भी इन देशों में जाने से मना किया गया है। वहीं यूपी, उत्तराखंड, बिहार, सिक्किम और नेपाल सीमा से सटे जगहों पर 10,00,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। अब बात अस्पतालों की तैयारी की। सरकार ने हर जिले के बड़े अस्पतालों को अलर्ट पर रखा है। बड़े सरकारी अस्पतालों में अलग से वार्ड बनाए गए हैं। डॉक्टरों की टीम तैयार की गई है। देश के अंदर 15 बड़े लैब स्थापित किए गए हैं, जिन्हें बढ़ाकर 19 किया जा रहा है। सिंपल लोग प्रिकॉशंस लेंगे और सरकार की व्यवस्था के साथ कॉपरेट करेंगे। जो एजुकेट करने के लिए बहुत सारे माध्यम सभी लैंग्वेजेस में, सभी टेलीविजन और दूसरे जितने हमारे टूल्स हैं जो कम्युनिकेशन के, उनको भी हम और ज़्यादा अभी सुदृढ़ करेंगे अगर आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन सिंपल प्रिकॉशंस हैं, ज़रा भी घबराने की बात नहीं है। इसके साथ ही लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर लोगों से अपील की, घबराने की जरूरत नहीं है, हमें साथ मिलकर काम करने और खुद के बचाव के लिए छोटे लेकिन महत्वपूर्ण कदम उठाने हैं। भारत में जहां कहीं भी कोरोना से संबंधित संदिग्ध मामले आए हैं, वहां पर उस व्यक्ति और जिस जिस के संपर्क में वो व्यक्ति आया, उन सभी की जांच करके अलग रखा जा रहा है, ताकि इस वायरस को तुरंत ही कुचला जा सके।